टाइम कोई घंटा दो घंटे चला पापा मैं प्रैक्टिस करने चला पापा मैं जिम चला, तो उसको मैं बोलता यार कोई राम तो कर लिया कर। पापा कहता मुझे राम यही मेरा राम है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत प्यार दिया, पूरे इंडिया ने प्यार दिया उसको, तो हम कहते हैं ऐसे ही मेरे बच्चे को सपोर्ट करते रहे हैं तो उसको हौसला अफजाई हो रहा उसकी हो गया आगे। उमरान मलिक की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है और आपको बता दें कि ये वही उमरान मलिक हैं जो 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर और हमारे मुल्क हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुवालिक में भी इनकी गेंदबाजी को सराहा जाता है। अब उमरान मलिक हमें T20 सीरीज़ में और ODI में भी देखने को मिलेंगी जो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, और इस खुशी के मौके पर हमारे साथ उमरान मलिक के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी मुबारक है, आपकी पूरी टीम को पूरे मीडिया को मुबारक है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए थे, अब उनकी वापसी जो है वो टीम इंडिया में हुई है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बड़ी खुश है, सारे खुश हैं, पूरा जम्मू और कश्मीर। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब ये खबर सामने आई तो क्या रिएक्शन था उस वक्त, फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, हमने कहा यार हमारा बेटा गया है, वो NCA में गया है, उधर उनको बुलाया था कि फिटनेस के लिए, तो उधर से शाम को फ़ोन करता है पापा मेरा नाम आ गया है T20 में और ODI में, तो हम बड़े खुश हुए, हमारी फैमिली बड़ी खुश हुई। मिठाइयाँ तकसीम हुई? बहुत बहुत बहुत, सारे खुश हुए, सारे पूरा जश्न का माहौल हो गया। फिर उस वक्त कितना फ़ख्र महसूस होता है जब आपका बेटा टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जब आप उनकी गेंदबाजी TV वगैरह पर देखते हैं, कितना फ़ख्र महसूस होता है? इससे हर किसी की ज़बान पर उस वक्त उमरान उमरान ही होता है। देखो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरा जम्मू और कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है कि उमरान मलिक को खिलाओ, तो आज वो खेल रहा है, आज इंडिया खेलेगा, वो उसका ये बचपन का शौक था कि मैंने इंडिया खेलनी है, उसका शौक था, छोटे से ही शौक था कि क्रिकेट खेलना, मैंने क्रिकेट में ही कुछ बनना है। वैसे पढ़ाई में किस तरह के थे, पढ़ाई में भी इसी तरह से तेज़ थे उमरान साहब? पढ़ाई में बहुत तेज़ था, वो खेलने में बहुत इंटरेस्ट था, ये मैंने क्रिकेट ही खेलना, मैं क्रिकेट में बनना है कुछ। बिल्कुल, अक्सर उन्हें इधर MS स्टेडियम में भी खेलते हुए देखा गया है, वहाँ पर भी वो प्रैक्टिस वगैरह किया करते हैं, जब भी घर आते हैं मैंने अक्सर उनको देखा है कि वो MS स्टेडियम में भी खेलते हैं। जब छुट्टी पर वो घर आते हैं तो फैमिली को कितना टाइम देते हैं, आपके साथ कितने टाइम रहते हैं? बस थोड़ा ही टाइम, कोई घंटा दो घंटे चला पापा मैं प्रैक्टिस करने चला पापा मैं जिम चला, तो उसको मैं बोलता यार कोई राम तो कर लिया कर। पापा कहता मुझे राम यही मेरा राम है कि मैंने प्रैक्टिस अपनी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देता। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें स्टेमिना बहुत है, तो जब छोटा सा था तभी मैं उसको बोलता था यार तू खाना नहीं खाता, कुछ नहीं कहता है, खाना तो खा लिया कर, वो मैं उसको देखता था पूरा दिन भर ये खेलता रहता था, दिन भर यही काम होता था खेलने का। हाँ बस उसमें स्टेमिना बहुत था यार, ऊपर वाले ने ताकत दी है उसको। चलो चलो दुआ करते हैं कि वो इसी तरह से गेंदबाजी करते रहें, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर का भी नाम रोशन करें। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान उसको प्यार देता रहे, मैं तो कहता हूँ बहुत प्यार दिया, पूरे इंडिया ने प्यार दिया उसको, तो हम कहते हैं ऐसे ही मेरे बच्चे को सपोर्ट करते रहें तो उसको हौसला अफजाई हो रहा उसकी हो गया आगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। उमरान मलिक साहब के जो वालिद साहब हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद थे, और जाहिर सी बात है खुशी तो होगी, और अगर बेटा कोई अच्छा काम करे तो सबसे ज़्यादा फ़ख्र अगर किसी को होता है तो उसके वालिद को होता है, और इन्हें भी काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है। 18 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ और ODI जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें हमारे जम्मू और कश्मीर के उमरान मलिक भी खेलेंगे। सबको इंतज़ार रहता है कि कब उमरान मलिक किसी मैच में हो, हम उनकी गेंदबाजी देखें, क्योंकि 150 की स्पीड से अक्सर जो है वो गेंदबाजी किया करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो इस बार इंडिया टीम इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीम इंडिया में अगर खेल रहे हैं, तो वो इस बार भी अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाएंगे और इस बार भी लोगों के दिलों पर छा जाएंगे। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।